हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल झटपट फूड रेसिपी में। मैं हूँ मौसमी। मैं आज फिर एक नए डिश के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ किसी भी चाइनीज डिश के साथ खाने के लिए लाल वाली चटनी। आइए हम देखते हैं मोमो वाली लाल चटनी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। 6-7 मैंने टोमेटो हम लेंगे जो मैंने वॉश करके पोंच के रखा हुआ है। थोड़े से हम लाल मिर्च लेंगे, सूखी लाल मिर्च। 2 हम लहसुन की कली लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट लेंगे। थोड़े से हम शुगर लेंगे और हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल भी यूज करेंगे। आइए हम झटपट मोमो की लाल चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस ऑन कर दिया है, पैन रख दिया गर्म होने के लिए। उसमें मैंने हाफ पैन पानी भी डाल दिया है, इसको हम उबलने के लिए रखा हमने। मोमो की लाल चटनी कई तरह से बनती है, आप इस टमाटर को बिना उबाले भी बना सकते हैं, बट आज हम उबाल कर बनाएंगे। कच्चे टमाटर, कच्चे मिर्च और कच्चे लहसुन डाल के डायरेक्ट ग्राइंड करके भी चटनी बनती है, बट आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो उसमें हम टमाटर को उबालेंगे। फिर हमने वॉश करके रखा है, इसको पानी में हम ऐड कर देंगे। तो उबलते हुए पानी में टमाटर और मिर्च को हम 10 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। ढक देंगे, ढक के हम 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है, आइए हम चेक करते हैं। ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से उबल गया है, इसकी स्किन निकल रहा है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और हम इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे। ये ठंडा हो गया है, अब हम इस टोमेटो को पील कर लेंगे और हम डायरेक्ट मिक्सर जार में डाल देंगे चटनी पीसने के लिए। इसी तरह हम सारे टोमेटोज को पील कर लेंगे और मिक्सी के जार में पीसने के लिए डाल देंगे। मिर्च हमने बॉईल किया था, इसको भी हम मिक्सी में ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लहसुन की कली हम 2 लिए थे, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ये हम थोड़े से हाफ टी स्पून मैंने शुगर लिया हुआ था, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें, 1 स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड करें। ये देखिए चटनी मैंने अच्छे से पीस लिया है, चटनी रेडी है, ये आप देख सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप चटनी की कंसिस्टेंसी रखें, आपको पतली चाहिए तो आप पतली रखें, मीडियम मैंने मीडियम रखा है। इस चटनी में मैं 1 स्पून टोमेटो केचप भी ऐड करूंगी, तो इसका जो है टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। हल्की मीठी और स्पाइसी तो है ही, तो हल्की मीठी टेस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो इसको लास्ट में हम 1 स्पून केचप दे के एक बार लास्ट ब्लेंड करके हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। तो मैंने देखिए एक बार फिर से केचप ऐड करके ब्लेंड कर लिया। मोमो की लाल चटनी खाने के लिए तैयार है। इसको आप मोमो के साथ खाएं, स्प्रिंग रोल के साथ खाएं, चाइनीज किसी भी डिश के साथ आप इसको टेस्ट करें, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।